करते हैं बहुत ज्यादा निकम्मे, बहुत ज्यादा। सीधा हो, सीधा हो, बस अब आ जाओ सीधा। की लोकेशन तो मिल गई, अब देख रहे हैं यहाँ से गाड़ी उतरेगी क्या नहीं। अगर तो यहाँ से गाड़ी आराम से उतर जाएगी फिर तो कोई चक्कर नहीं है ये उतारने का। हमने अपनी जगह फाइनल कर ली है, फाइनली। कहाँ लगा रहे हैं टेंट भाई? दो हफ्ते बाद मेरी शादी में काला हो जाएगा यार तू। अच्छा देखो यहाँ लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? देखो यहाँ हमारी कैंपिंग लोकेशन, यहाँ गाड़ी लगाएंगे, यहाँ टेंट लगाएंगे। मौसम तो देखो जी ऊपर खराब हो रहा है, बर्फ पड़ेगी, बर्फ ऊपर से ही आ रहे हैं, बर्फ पड़ेगी। अभी कपड़े भी चेंज करने हैं, इनको बता दो बर्फ पड़ेगी। बर्फ तो पड़ ही जाएगी। सो फाइनली 14 मिनट के बाद ये लग गया, ये समझो लगा दिया। एयर मैट्रेस मींस टू से हमारा बेड, और ये तैयार हो गया। ये रहा हमारा पानी। लोग होते हैं बहुत ज़्यादा निकम्मे, बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ी देर में आपको उसके दर्शन भी करवाऊंगा मैं। लेके कंबल सो गया, मुझे बाहर खड़ा रखा है। 19 घंटे गड्डी चलाई मैं 19 घंटे। चलो आपको यहाँ पे सीन दिखाते हैं, कुछ ऐसा है माहौल। और ऊपर कुछ ऐसा माहौल हो चुका है, और ये रहा हमारा टेंट। अभी हमारा सामान सेटअप नहीं हुआ प्रॉपर, अभी करना है, बट कर लेंगे क्योंकि कल से गाड़ी चल रही है। और ये बेशर्म इंसान उठ गया, कल से गाड़ी चलाई है 19 घंटे से। कल 9 बजे से गाड़ी चला रहा हूँ। यहाँ से देखो कैसा लग रहा है पर मौसम भाई, खतरनाक हो चुका है, पूरा फुल ऑन खतरनाक। अभी हम 12 लाचला टॉप से जाके आए हैं नीचे, तो वहाँ पे हमें नीचे भेज दिया साथ के साथ ही। कहते बर्फ़ कभी भी गिर सकती है, हमने यहाँ अपना टेंट सेटअप किया। तो मौसम कुछ ऐसा हो रखा है अभी, बिल्कुल यहाँ पे धुंधी धुंध हो गई है, बादल बिल्कुल आसपास आ चुके हैं। अगर डारचा साइड की बात करें तो डारचा बिल्कुल पैक हो चुका है, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है।
हवा बहुत ज्यादा चल रही है और डर लग रहा है कि रात को भी बर्फ ना पड़ जाए। लो जी जिस चीज का डर था वही बात होगी, बारिश स्टार्ट हो गई है और भूख लग रही है, बादल बिल्कुल ही पास आ चुके हैं, बट मौसम ना एंजॉय हो रहा है बहुत ज्यादा, मजा आ रहा है पूरा पूरा। बादल ना ऐसे लग रहे हैं बस भी आज हमें हेलो करके जाएंगे। अनुराग गया हुआ है चेक करने कि कुछ खाने को मिलेगा यहाँ पे कि नहीं, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ उसकी और यहाँ पे आप टाइम लैप्स थोड़ा सा एंजॉय कीजिए तब तक। लोकेशन के पास ही हमें एक रेस्टोरेंट मिल गया था जहाँ पे हमने अपनी कॉफी और पिज्जा ऑर्डर किया और हम अब उसके मजे ले रहे हैं। क्या नवरत्न तेल रख ले तो ये देखो यहाँ पे हमने फ्रेग्रेंस लगाई हुई है, ये चल रही है और ये रही हमारी लाइट का सिस्टम, ये फ्यूज होगी यार थोड़ी सी, शॉर्ट सर्किट हो गया था अभी, ऐसा है कुछ। खाना बनाएंगे अभी थोड़ी देर में और फिर मस्त होके सो जाएंगे। अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी ना इसको प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और ये बताओ टेंट कैसा लग रहा है, हमारा बेड देखो, ये रे कंबल, स्लीपिंग बैग अपने अभी खोले नहीं है बट रात को ये टेम्परेचर दिखा रहा है -11। तो लकड़ियां इकट्ठी करके अभी हमने आग लगाई थी। तो यहाँ पे हमें दो भाई और मिल गए थे जिन्होंने हमारे साथ ये बॉनफायर लगाने में हेल्प करवाई और अब हम सब सारे बैठे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, मौसम का मज़ा ले रहे हैं। बट मौसम यार ख़राब होता जा रहा है क्योंकि मौसम -5 तो अभी दिखा रहा है और समझ नहीं आ रही इतनी ठंड हो कैसे रही है, ये मई चल रहा है अभी भी। चलो देखते हैं। लो जी गाड़ी में बैठे हैं और अच्छी खासी बर्फ़ पड़ रही है, बर्फ आपके सामने पड़ रही है। हम अपना स्टार्ट करने लगे हैं बुखारी क्योंकि ठंड ज़्यादा बढ़ गई है और स्नो स्टार्ट हो गई है, दोबारा से फिर स्नो हो गया है। इससे अब हम आराम से बैठेंगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद ऑन करेंगे। मनु उधर टेंट लग जाएगा साथ, उस दूसरी साइड से ए वाला, जितना ज्यादा खोलोगे ना ए वाला, ए वाला इसके लिए भी मैं देख लेता हूं कि सब टाइम से डाल दो। ये वहां से लेके आ लगता है बड़ी सही है। ये जी चल पड़ी है हमारी बुखारी। आज का दिन मज़ेदार, मतलब बहुत लंबा दिन था एक्चुअली, इसको कहते हैं लंबा दिन। रीज़न विंग सोए ही नहीं, प्रॉपर सोए ही नहीं, 1-1.5 घंटा सोए थे और उसके बाद से उठे हुए हैं, फिर सेटिंग, फिर बारिश होने लगी, अब स्नो पड़ रही है, बढ़िया माहौल है घूम फिर के। सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे।
हम उठ गए हैं यार, और गाड़ी का कुछ ऐसा सीन है, रात को बहुत बर्फ पड़ी। ये देखो गाड़ी हमारी वाइट होगी। वाह मजा आ गया। काली गाड़ी भी वाइट हो गई है। अब आएगी इसको असली प्रॉब्लम स्टार्ट करने में। देखें होती है। ओह माय गॉड शीशा। वाह वाह पहली बारी में ही स्टार्ट होगी। धूप भी आ गई है, और क्या धूप चढ़ी है, हाय हाय मजेदार। सामने तो पूरा अभी भी माहौल बना हुआ है। हमने इंस्टॉल कर दिया है। धूप तो इतनी नहीं है, धूप तो भाग गई है फिर से, बट बैटरी चार्ज हो रही है और हमारे गैजेट्स चार्ज हो रहे हैं। और क्या चाहिए, यही तो चाहिए। स्नोफॉल फिर से स्टार्ट हो गई है। ऊपर देखो कुछ ऐसा मौसम है। भाइयों ने आग लगा ली है, हमने लकड़ी दे दी थी इनको, और हमारी कॉफ़ी तैयार है। और ये रहे हमारे कप, एडवेंचर्स एडवेंचर्स विद जस्सी। फाइनली गाइस हमारी कैंपिंग आज की पूरी हुई। हम चले वापस, गाड़ी साफ कर रहे हैं अनुराग। और जहाँ हमने कैंप लगाया था, टेंट लगाया, कोई गंदगी नहीं है, सब सफाई कर दी है, आपके सामने है। और अभी भी बर्फ़ पड़ रही है। स्लोली स्लोली जाएंगे और इंजॉय करते जाएंगे, गाने सुनते। भाइयों ने वहाँ पे टेंट लगाया, ये आज यहीं स्टे कर रहे हैं आज। तो मिलते हैं अब आगे जाके। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। मौसम यहाँ पे ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था। सुबह सुबह मैं 6:30 बजे उठा था। 6:30 उठ के थोड़ी सी धूप आई थी, बट उसके बाद फिर से बादल आ गए थे। तो फिर हमने चेक किया कि आज तो बर्फ़ ही बहुत ज़्यादा पड़नी है, तो इसलिए फिर हमने अपना टेंट बिना वीडियो बनाए पैक किया, सारा टेंट उठाया, सारा सामान पैक किया, और अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स सिसु को। तो
गाड़ी ऑलरेडी स्टार्ट मैंने कर ली थी, कोल्ड स्टार्ट आराम से हो गई थी गाड़ी, मुझे लग नहीं रहा था कि गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी बट बड़े आराम से हुई। और ये बैठे हैं वो रात वाले दो भाई जिनसे रात को हमारी गप्पे लग रही थी, इन्होंने भी खूब इंजॉय किया। ये तो कह रहे थे कि आज रुक जाओ बट हमने कहा नहीं यार जाना है क्योंकि ऑफिस भी है। और ये यहाँ से हम नीचे को उतरे थे, नीचे तो हम बड़े आराम से उतर गए थे बट यहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि गाड़ी दो बार ट्राई की, गाड़ी ऊपर चढ़ी ही नहीं। अनुराग जी आगे लगे हुए हैं इशारों पे इशारे करने कि भैया इधर से आओ भैया उधर से आओ। यहाँ पे काफ़ी अटेम्प्ट करने के बाद, टायर के धुएं निकालने के बाद, फिर हमने एक दूसरा रास्ता पकड़ा, थोड़ा सा लंबा था बट फिर हम वहाँ से आए। मैं वहाँ से गाड़ी लेके आराम से आया, आपको दिखाता हूँ। फाइनली हम चले डारचा को, बाय बाय। अभी ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं होगी, अभी वीडियो कंटिन्यूटी में होगी क्योंकि अभी हमें सिसु तक जाना है, वहाँ की कंडीशंस देखनी है कैसी हैं कैसी नहीं है। फिर आगे मनाली, आगे लैंडस्लाइड्स, बारिश पड़ रही है सारे कहीं, तो आज मिशन ही है ये। ये वाली वीडियो हम आपको दिखाएंगे, बताना फिर यार लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।